हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर मैं दूसरा कॉटन की पेस्ट के बारे में लेक्चर लेके आ चुकी हूँ। और पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था पिंक कॉटन पिंक बोलवर्म के बारे में, और आज सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पॉटेड बोलवर्म के बारे में। किसका? कॉटन का एक मेजर पेस्ट के बारे में, दूसरा मेजर पेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पिंक बॉलवर्म के बारे में पढ़ लिया ऑलरेडी, आप वीडियो देख सकते हैं ऊपर जाके प्लेलिस्ट में। और हम स्टार्ट करेंगे इसके साइंटिफिक नेम से। इसका इस पेस्ट की साइंटिफिक नेम है इरियस स्पेसिस, क्योंकि इसके और भी कई सारे स्पेसिस होती है इसलिए। और ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है, जैसे कि पिंक बॉलवर्म भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता था, ये भी ऑर्डर इसी में आता है। और इसका फैमिली है नॉक्टुरे। और डिस्ट्रीब्यूशन में है ये ऑल कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज में ये पेस्ट पाया जाएगा। और ये कहाँ सरवाइव करेगा? कॉटन में, विंडी में, होली हो, हिबिस्कस, कैनाविनस, और मतलब इस प्लांट में ये सरवाइव करेगा। और उसके बाद हम इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर को पढ़ेंगे, किस तरह से इस पेस्ट को हम पहचान करेंगे, पहचान करने का क्या क्या मेथड है, क्या क्या कैरेक्टर है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है, इट हैज ग्रीन फोरविंग्स विथ व्हाइट स्ट्रिक इन ईच ऑफ देम। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसको पहचान करने की, और वो एक ही है इसका। इसकी जो विंग्स में, फोर विंग्स में क्या होंगे? फोर विंग्स तो ग्रीन कलर के होंगे, उसमें क्या होगा? व्हाइट स्ट्रिक पाए जाएंगे, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। तो मेरे बोलने से भी ज्यादा आप फिगर को देख के क्लियर हो जाओगे। क्या होगा इसका फोर विंग? ग्रीन कलर का होगा और व्हाइट स्ट्रिक उसमें होंगे, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे हम, क्या होगा, किस तरह से ये आएगा, एगलिंग कब करेगा, इसका लार्वा पीरियड कितना होगा, प्यूपा पीरियड कितना होगा, कैसे कैसे होंगे लार्वा प्यूपा, और ये टोटल लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसका मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा, इसके बारे में हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। सो इट हैज क्राउन शेप, डीप स्काई ब्लू कलर, एग। ये क्या, ये इसका जो एग है वो कैसे होंगे? क्राउन शेप के होंगे, डीप स्काई ब्लू कलर के होंगे। और ये जो एग है सिंगली देगा, कहाँ देगा? शूट टिप्स में, बॉड में, फ्लावर में, फ्रूट में, कहीं में भी ये एग लेइंग करेगा। और उसके बाद इसके जो एग पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं? 3 से 4 दिन होते हैं। उसके बाद क्या होगा? जो एग है हैचिंग होगा, हैचिंग होने के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा पीरियड आएगा उसके बाद। और जो लार्वा है इसके वो ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं। और उसका जो लार्वा पीरियड है वो 10 से 16 दिन का होता है। इसी पीरियड में ये डैमेज करता है क्रॉप को सबसे ज़्यादा। और उसके बाद लार्वा के बाद क्या होगा? प्यूपा पीरियड आएगा। और जो प्यूपा है, प्यूपेशन इज आउटसाइड द बॉल इन अ टफ बोर्ड शेप डॉटी व्हाइट सिल्कन कुकुन। जो प्यूपा है उसका शेप कैसे होगा? बोर्ड शेप का होगा। और कलर कैसा होगा? डॉटी व्हाइट कलर का इसका कलर होगा, डॉटी व्हाइट इसका कलर होगा प्यूपा का। और प्यूपा जो है, प्यूपा स्टेज, प्यूपेशन स्टेज क्या है? रेस्टिंग स्टेज है, तो सभी को पता है। और उसके बाद है प्यूपा पीरियड कितना होगा? 4 से 10 दिन का इसका रेस्टिंग पीरियड होगा। उसके बाद एडल्ट होगा, प्यूपा के बाद एडल्ट होगा। और इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होगी कितनी होगी? 17 से 29 दिन, 17 to 29 days में इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आता है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में, तो इसकी जो मेटामॉर्फोसिस क्या है वो भी कंप्लीट होगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डैमेज सिम्टम। डैमेजिंग स्टेज क्या होगा इसका? मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को बता दिया है कई बार, राइस के पेस्ट पढ़ते वक्त भी मैंने क्लियरली बोल दिया है कि जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होते हैं उसके जो डैमेजिंग स्टेज होते हैं वो लार्वा होते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैटरपिलर बोलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि डैमेजिंग स्टेज ऑफ लेपिडोप्टेरा ऑर्डर करके, तो उसका आंसर होगा कैटरपिलर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? जब सीजन का बिगिनिंग होगा, जब व्हेन द क्रॉप इन अ फ्यू वीक्स ओल्ड, जब क्रॉप कुछ ही हफ्ते का होगा, तो क्या होगा? स्मॉल कैटरपिलर एग से हैचिंग होके बाहर आएंगे और कुकून
कुछ ही घंटों में ये डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो डैमेज में फर्स्ट क्या करेंगे, ये सेकंड पॉइंट में आप देखिए, डैमेज में पहले तो जैसे कि पिंक कॉटन बोलवाम भी क्या करता है, जो बोल है उनको बोर करके अंदर जाता था, छेद कर देता था बोल पे। और ये किसमें छेद करेगा, जो टॉप टेंडर सूट है उनमें ये छेद करेगा। पिंक बोलवाम के किसमें छेद करता था, बोल में छेद करता था। जो ये पेस्ट है जो स्पोटेड बोलवाम है, वो टॉप टेंडर सूट में बोर करेगा, छेद कर देगा। और उसके बाद द पोर्शन ऑफ द सूट एबव द डैमेज विंटर ड्रोप एंड ड्राई जॉब, जहाँ पे इसने बोर किया है, डैमेज किया है, वो क्या होगा, सूखा सूखा हो जाएगा, ड्राई जॉब हो जाएगा। और उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी अप टू 50% ऑफ द क्रॉप में बी डैमेज इन दिस मैनर। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी डैमेजिंग स्टेज के थ्रू जो क्रॉप है उसका 50% यील्ड लॉस हो जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा, 50% क्रॉप डैमेज हो जाएगा, तो यील्ड क्या ही आएगा उसमें। और उसके बाद है व्हेन द स्क्वायर एंड बॉल्स बिगिन टू डेवलप दिस कैटरपिलर मूव फ्रॉम द सोर्स एंड स्टार्ट डैमेजिंग बॉल बाय मेकिंग कंस्पिक्शियस होल्स इन टू देम। ये भी वही पॉइंट है, जो बॉल्स आएंगा पहले तो किसमें, टॉप टेंडर सूट में बॉल करेगा, सॉरी बोर करेगा, छेद करेगा सूट में। उसके बाद जब बॉल डेवलप हो जाएंगे, कॉटन के बॉल जब आएंगे, उसके बाद बॉल पे भी क्या करेगा, कैटरपिलर छेद कर देगा और डैमेज करेगा। द स्क्वायर्स एंड स्मॉल बॉल इंजर्ड बाय द लार्वा ड्रॉप अवे फ्रॉम द प्लांट। जो स्मॉल बॉल है वो क्या होंगे, इस लार्वा के थ्रू और कैटरपिलर के थ्रू डैमेज हो जाएंगे। इस पॉइंट का यही मतलब है, जो डैमेज हो गए उसको प्लांट से दूर ले जा सकते। और उसके बाद द डेवलपिंग बॉल्स आर ऑल्सो डैमेज एंड सम ऑफ द डैमेज बॉल्स फॉल टू द ग्राउंड। जो विकसित जो मतलब डेवलप हो रहे हैं उस बॉल को भी ये डैमेज करेगा। उसके बाद वो बॉल डैमेज होने के बाद वो बॉल क्या होंगे, ऑब्वियसली ग्राउंड में मतलब गिर जाएंगे सारे बॉल डैमेज होने के बाद। और उसके बाद है द इन्फेस्टेड बॉल व्हिच आर नॉट सेड आर डिस्ट्रॉयड बाय द लार्वा ईटिंग द सीड्स एंड फिलिंग देम विद द एक्सक्रीमेंट। ये क्या करेगा, जो बॉल है कॉटन के उसमें छेद करके अंदर जाएगा, उसमें खाएगा, और वो पूरा खाने के बाद अंदर के जो सीड है उस सब खाने के बाद, अंदर के सारे पार्ट खाने के बाद, उसमें जो आप खुद का जो एक्स्ट्रा होता है जो वेस्ट मटेरियल वो उसमें भर देगा। इसका काम क्या हुआ, खाएगा खाएगा वहीं पे अंदर बैठ के, फिर क्या करेगा, खाने के बाद जो अपना एक्सक्रेट आए उसी में भर देगा। उसके बाद ऑब्वियसली जो बॉल है वो तो गिरेंगे ही। सच एफेक्टेड बॉल में ओपन प्री मैच्योरली एंड बैडली, ये बॉल क्या होंगे, खुलेंगे। उसके बाद इसने इतना डैमेज कर दिया है तो गिरेंगे, खुलेंगे, ये पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये रहा इसका कुछ डैमेज सिम्टम। उसके बाद अब डैमेज सिम्टम पहचान में आ गए तो हम उसको मैनेज करेंगे। मैनेज करने के लिए बहुत ही सारे मेथड होते हैं। तो फर्स्ट कल्चरल मेथड में है फील्ड सैनिटेशन आफ्टर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद हम जो फील्ड है उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से फील्ड की साफ सफाई करेंगे, ताकि उसमें जो पहले से ही इन्फेक्टेड कोई भी पार्ट्स प्लांट के वो ना रह पाए, उसके थ्रू दूसरे प्लांट में इन्फेक्ट ना हो, इसीलिए उसको अच्छी तरह से हम साफ कर देंगे। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में ओवर द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एट द रिप्रोडक्टिव स्टेज। इस प्लांट की कॉटन की जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तब हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करना बंद कर देंगे। उसके बाद है अर्ली सोइंग एंड अर्ली हार्वेस्टिंग। ये पेस्ट को स्केप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम जो प्लांट है उसको अर्ली सोइंग करेंगे, अर्ली हार्वेस्टिंग करेंगे, पेस्ट के आने से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो मतलब इससे पेस्ट से लॉस होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद है यूज रेजिस्टेंट वैरायटीज। हम मतलब रेजिस्टेंट वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज करेंगे, ताकि इस पेस्ट से क्रॉप को डैमेज ना हो। और कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड बॉल। जो बॉल इन्फेक्टेड है जिसमें ऑलरेडी पेस्ट ने अटैक कर लिया है, ऐसे बॉल को हम कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। जो लार्वा है उसको भी हम कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
और उसके बाद है केमिकल मैनेजमेंट में, हम कुछ पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे पेस्ट को किल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कार्बाइरल 5% DP 20 kg पर हेक्टर, इसके ये रिकमेंडेड डोज के थ्रू हम इसका यूज करेंगे। और दूसरा पेस्टिसाइड है इंडो जैकाब 14.5% ऐसी 500 ml पर हेक्टेयर, इसके जो रिकमेंडेड डोज दिया गया है इसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इसी के रिकमेंडेड प्रोसेस से हम यूज करेंगे ताकि उसको पेस्ट जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सके और हमारा यील्ड जो है प्रॉपर ले सके, इकोनॉमिक लॉस होने से प्लांट को बचा सके। सो थैंक यू गाइज, दिस मच अबाउट स्पॉटेड बॉलवर्म ऑफ द कॉटन, और कॉटन का तीसरा पेस्ट लेके मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब माई चैनल।